आज जो विला हम आपको दिखा रहे हैं ये 139 स्क्वायर यार्ड में रहने वाला है, साथ ही 25x50 के डायमेंशन में रहेगा। और इसके थीम की बात करें तो ये डिज़ाइन किया हुआ है बिल्कुल रॉयल और फॉरेन कल्चर डिज़ाइन में। तो यहाँ से दोस्तों आप इसका एलिवेशन वर्क देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रहेगा, टेक्सचर वर्क के साथ में हो जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा गार्डन बनाकर दिया जा रहा है ताकि आप हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। व्हाइट थीम में हाउस रहने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार आपको लगेगा। और एंटर करते ही आपको यहाँ पर मिल जाता है सेपरेट आपका ड्रॉइंग एरिया, जो कि बिल्कुल आपके गार्डन एरिया से ओपन हो जाएगा। सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, और इसी के साथ ये स्टेयर्स का वर्क आप देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है राउंड शेप में, जो कि बहुत ही शानदार लुक दे देता है आपके लिविंग डाइनिंग एरिया को। तो ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत से हमारी किचन हो जाती है, फुल्ली मॉड्यूलर रहेगी। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम रॉयल टच के साथ में बहुत ही शानदार बेडरूम आपका हो जाता है। ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट थीम के अंदर है। ये ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम आपको बिल्कुल अलग दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों आज जो विला हम आपको दिखा रहे हैं ये 139 स्क्वायर यार्ड में रहने वाला है, साथ ही 25x50 के डायमेंशन में रहेगा। और इसके थीम की बात करें तो ये डिज़ाइन किया हुआ है बिल्कुल रॉयल और फॉरेन कल्चर डिज़ाइन में, जो कि बहुत ही खूबसूरत आपको लगने वाला है। साथ ही आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको एक एक एरिया का डायमेंशन बताने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस हाउस का फ्लोर प्लान मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके एलिवेशन में। तो यहाँ से दोस्तों आप इसका एलिवेशन वर्क देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रहेगा, टेक्सचर वर्क के साथ में हो जाता है। और स्पेशियस आपको पार्किंग एरिया इसमें मिल जाएगा, 25 का फ्रंट इसमें रहेगा। और देख सकते हैं आप बर्म एरिया इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसकी लोकेशन रहेगी धावास रोड पे, वैशाली वेस्ट में लोकेटेड है। साथ ही इसके फॉल सीलिंग में आप देखिए, यहाँ पर गजीबो टाइप डिज़ाइन आपको बना करके दिया है, जो कि आपके पोर्च एरिया को और भी ब्यूटीफुल बनाता है, साथ ही आपके घर के एलिवेशन को भी और इन्हेंस कर देगा। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा गार्डन बनाकर दिया जा रहा है ताकि आप हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ हमारे विला की मेन एंट्रेंस आ जाती है। वाइट थीम में हाउस रहने वाला है दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार आपको लगेगा। यहाँ आप एंटर करेंगे एक कॉरिडोर के साथ में, और एंटर करते ही आपको यहाँ पर मिल जाता है सेपरेट आपका ड्रॉइंग एरिया, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट आपको इसमें करके दिया है। साथ ही में इस स्पेस के लिए आपको एक सेपरेट एंट्री यहाँ से भी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल आपके गार्डन एरिया से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको एक एक्सेस मिल जाता है सीधा आपके गार्डन के लिए भी। और यहाँ आप अपने गेस्ट के साथ बैठ सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, तो आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इसी के साथ यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है शानदार डाइनिंग एरिया, जो कि रहेगा 13x18 के डायमेंशन में। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो जाता है बिल्कुल सेपरेट। सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, और इसी के साथ ये स्टेयर्स का वर्क आप देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है राउंड शेप में, जो कि बहुत ही शानदार लुक दे देता है आपके लिविंग डाइनिंग एरिया को। और साथ ही यहाँ से आपको वन रूफ का स्पेस देखने को मिलेगा। स्टेयर्स के नीचे आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा वर्क करके हमने दिया हुआ है, जिससे कि ये स्पेस और भी खूबसूरत हो जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए LED स्पेस मिल जाएगा, वॉल माउंटेड AC भी इसमें लगा हुआ है। और साथ ही में आपका जो वॉश बेसन एरिया है वो यहाँ बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है, और जो कॉमन वॉशरूम है वो भी बिल्कुल सेपरेट रहेगा। वर्क आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा टाइल वर्क इसमें किया है, फुल सीलिंग तक रहेगा, और ये आपका प्रॉपर कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। प्राइस की बात करें दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्राइस में, यानी 1,48,00,000 में आपको ये फुल फर्निश मिल जाता है, वो भी 4 BHK। और साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहेगा, 139 स्क्वायर यार्ड, जो कि JD अप्रूव्ड है। और यहाँ से आ जाते हैं हमारे किचन की तरफ। तो ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत से हमारी किचन हो जाती है, फुल्ली मॉड्यूलर रहेगी। साथ ही इसका जो साइज़ है वो 9x9 के डायमेंशन में हो जाता है। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक गैलरी भी मिल जाती है, साथ ही एक्स्ट्रा वेट एरिया भी यहाँ पर आपको दिया है, ताकि अगर ज़्यादा गेस्ट आ जाएं घर में तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे वेंटिलेशन भी आपके किचन में और पूरे स्पेस में बना रहेगा। प्रॉपर स्टोरेज इसमें दिया हुआ है, चिमनी की फैसिलिटी रहेगी, और एक वुडन पार्टीशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे देता है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम रॉयल टच के साथ में बहुत ही शानदार बेडरूम आपका हो जाता है, बिल्कुल वाइट थीम में है। साइज इसका रहेगा 15x11 के डायमेंशन में। और आप देख रहे हैं कि इसमें एंटर होने के बाद एकदम पॉजिटिव वाइब आपको आने वाली है, काफ़ी प्यारा वर्क है, सीलिंग में भी काफ़ी डिज़ाइनर सीलिंग आपको दी है।
यहाँ से ये जो गैलरी है उसके लिए एक्सेस आपको दिया है, वाइड विंडो दी हुई है, तो वेंटिलेशन की तो कोई कमी नहीं रहेगी आपके रूम में। प्लस यहाँ पे वुडन वर्क के साथ एलईडी स्पेस मिल जाएगा और अटैच वॉशरूम भी आपको इस बेडरूम में मिल जाता है। ये हमारा अटैच वॉशरूम हो जाएगा, फुल सीलिंग तक टाइल वर्क इसमें रहेगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको दो वॉशरूम मिल जाते हैं और हर बेडरूम के साथ में अटैच वॉशरूम आपको मिलता रहेगा। तो ये आ जाता है हमारा स्टेयर्स का प्रोविजन। चलिए यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही प्यारे प्यारे घर हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तीन तीन बेडरूम, साथ ही में कॉमन वॉशरूम भी आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए ये आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस है, प्रॉपर टाइल वर्क के साथ में है। और ये आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम, तो 11x15 के डायमेंशन में रहेगा बेडरूम और ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट थीम के अंदर है, बहुत ही प्यारा सीलिंग डिज़ाइन है। साथ ही में ये एक वाइड विंडो आपको यहाँ पर दी है, ये देखिए यहाँ से कितना प्यारा आपको लुक मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन भी रहेगा। इसी के साथ साथ वेंटिलेशन की तो कोई कमी नहीं रखी है, आपको एक बालकनी भी मिल जाती है। ये देखिए ये पूरी बालकनी आपकी हो जाती है, इसका एक एक्सेस आपको दूसरे बेडरूम से भी मिल जाएगा और एलईडी स्पेस आपको बेड के बिल्कुल सामने मिल जाएगा। अटैच वॉशरूम आपको इस रूम के अंदर भी मिल रहा है, ये देखिए यहाँ भी अटैच वॉशरूम रहेगा, प्रॉपर आपको मिल जाती है टाइल वर्क, वेंटिलेशन भी इसमें बना हुआ है। और ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, ये वार्डरोब आपको मिल जाएगी यहाँ पर, साथ ही साइज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा, 13x11 के डायमेंशन में एसी इसमें भी आपको लगा कर दिया जा रहा है और जो आपकी बालकनी है उसके लिए आपको एक एक्सेस यहाँ से भी मिल जाता है। तो वेंटिलेशन इस रूम में भी प्रॉपर बना रहेगा, नेचुरल सनलाइट आती रहेगी। और ये आ जाता है हमारा फोर्थ बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम आपको बिल्कुल अलग दिया हुआ है, ये आपका प्रॉपर ड्रेसिंग स्पेस हो जाता है। वार्डरोब्स आपको यहाँ पूरे वॉल पे वार्डरोब्स मिल जाती हैं, ये ग्लास वार्डरोब आपको मिल जाएगी लाइट के साथ में। और ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग स्पेस, वॉशरूम यहाँ पर सेपरेट रहेगा, ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम टाइल वर्क के साथ, वॉश बेसिन एरिया इसमें दिया हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ भी आपको एक वाइड विंडो मिल जाती है, तो वेंटिलेशन भी बना रहेगा, आराम से यहाँ से नेचुरल सनलाइट भी आपके रूम में आती रहेगी। चलिए यहाँ से चलते हैं रूफटॉप एरिया पर, ये शैंडलियर सीधा आपके ग्राउंड फ्लोर से आपको विजिबल हो जाएगा। और ये आ जाता है हमारा रूफटॉप एरिया, तो ये देखिए दोस्तों काफी स्पेशियस रहेगा, इसमें आपको एक गजीबो भी बनाकर दिया जा रहा है प्रॉपर सिटिंग के साथ में। तो यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे फंक्शन गैदरिंग्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी रेजिडेंशियल लोकेशन रहेगी, यहाँ से स्कूल कॉलेजेस सब कुछ नियर बाय रहने वाले हैं। यहाँ से मेन वैशाली या चित्रकूट आपको 12 से 15 मिनट की ड्राइव पर ही मिल जाता है। तो आई होप आपको ये विला पसंद आया होगा, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।